ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं ये दुनिया के किसी भी हिस्से में आएंगे, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये तबाही लेके आते हैं, ठीक है। और फिर पाकिस्तान का तो आप लोगों के सामने ही पता है कि रिसोर्सेज का क्या हाल है। और फिर अगर मैं बलूचिस्तान पर आऊँ तो बलूचिस्तान का भी आपको अंदाज़ा है कि हमारे गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं। इस हवाले से आपने क्वेश्चन किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं कई बार फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आप लोगों के सामने रख चुकी हूँ। अब हम हैं जो हमारा सर्वे होना है और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं दे विल हेड एंड दे आर हेडिंग द कमेटी। उसमें तमाम आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके PDMA हैं, OCHA रिप्रेजेंटेशन भी है उसमें, इसके साथ साथ FC, आर्मी, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, तो ये सारे उस कमेटी में शामिल हैं। सर्वे शुरू हो चुका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से सख्ती से इंस्ट्रक्शंस हैं कि विद इन फ्यू डेज आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सामने आ जानी चाहिए। अब हम सर्वे रिपोर्ट पर फाइनलाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्यों कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आप नहीं कर रहे, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। वो इसलिए कि जब हमने UN एजेंसीज के साथ रबते शुरू किए, जब हमने प्रोमिनेंट NGOs के साथ रबते शुरू किए, जब हमने इंटरनेशनल सतह पर रबते शुरू किए, तो उन सब की यही डिमांड है कि आप हमें एक फाइनल सर्वे रिपोर्ट दे दें कि आपके डैमेजेस कितने हुए हैं। फिर उसके मुताबिक हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ कहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं। अच्छा। मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो का एक बहुत अहम पैगाम, उनका ये पैगाम है कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। इसीलिए अब हमने जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो UN एजेंसीज हैं या वो डिफरेंट कंट्रीज हैं, किसी भी डिज़ास्टर में इमरजेंसी बेसिस पे आपके मुल्क में काम करती हैं, हम उन सबको यही कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास खजाने छुपे पड़े हैं, मीलों फैले समंदर हैं। तो अगर आज आप हमें किसी मामले में असिस्ट करेंगे तो कल हम आपके साथ खड़े होंगे एक मजबूत सहारा बन के। ये क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कि मेरा चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं, उनको बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ हिज विशन जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे किसी से, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम अपने लोगों की डैमेजेस पूरे करें, ठीक है। और जो आपने मैडम क्वेश्चन किया कि स्कूल्स के हवाले से, बहुत नुकसान, स्कूल्स बहुत तबाह हुए हैं, आपके जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, और इसी हवाले से जो एक वही जो फाइनल एक रिपोर्ट है ना, वो आ रही है। और यहाँ मैं एक और अहम आपको बात बताऊँ, हम ये समझते हैं कि अगर आपने अपनी कौम को बनाना है तो आपने अपना तालीमी निज़ाम बहुत ही खूबसूरत और सुपर बनाना है। तो मौजूदा हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो, ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं और ऐसे बहुत से प्लान, इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ मंथ्स हम उस पर अमल शुरू कर देंगे। रेकोटिक के हवाले से मैंने बहुत पहले, बल्कि इसको ना अगस्त के महीने में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ना, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो गई, फिर आपकी ये सैलाब आ गया, फिर इसमें सारे मसरूफ़ हो गए। इंशाल्लाह मेरे पास आपके एविडेंसेस के साथ जवाब है आपके सवाल का, ठीक है। हम बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ रेकोडिप पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे।